शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 227 केंद्रों पर 10,758 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,495 तथा सेकंड डोज लेने वालों में 6,263 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि टीकाकरण लगातार किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त कर रही है तथा कोविड टीकाकरण कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड की तीसरी लहर को दृष्टिगत देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं और कोविड नियमों का पालन करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। टीकाकरण का यही एक मूल मंत्र है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं और अपने गोरखपुर को स्वस्थ और गोरखपुर बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, चोरी हो गया। आज हमारे यहाँ 380 जगहों पर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और सभी चिकित्सकों की आज हमारे यहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी काम है, तो लेकिन सभी हमारी टीमें जो है पूरी टीमें लगी हुई हैं, टीकाकरण भी कर रही हैं, साथ में कोविड का भी टीकाकरण कर रही हैं और जो भी हमारे कार्यक्रम है उनको संपादित कर रही हैं। उम्मीद ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रथम और द्वितीय खुराक लगा सकेंगे। कल हमारे पास 9,000 प्रथम खुराक लगी थी और जो है 18,000 सेकेंड डोज लगी थी। उम्मीद है कि इतनी ही डोजेज आज हम पुनः लगाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं और कोविड नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और टीकाकरण यही मूल मंत्र है। स्वयं बचें, दूसरों को बचाने का प्रयास करें और जो लोग मास्क लगाए हुए बगैर दिखें उनको टोकें जरूर और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। घर में छोटे बच्चे को, बुजुर्ग को और बीमार लोगों को कतई घर से बाहर निकलने न दें। अगर हम लोग ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम गोरखपुर को स्वस्थ बना करके रखेंगे। आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है, आज हम लोग सभी लोग संकल्प लेंगे, कोरोना की तीसरी लहर से गोरखपुर को प्रभावित नहीं होने देंगे, सब लोग मास्क लगाएंगे, सबको नववर्ष मंगलमय हो।